हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HSSC क्लर्क 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लर्क के फॉर्म के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि जो HSSC क्लर्क है इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो कब से शुरू होने वाले हैं और कब तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहेगा इसके लिए और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी रहेगी, तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, इसके लिए जो है क्लर्क के फॉर्म निकले हैं जिसके लिए कैंडिडेट 7 जनवरी 2019 से अप्लाई करने शुरू हुए थे और जो लास्ट डेट थी दोस्तों इसकी वो थी 4 फरवरी 2019 और जो एप्लीकेशन फीस थी दोस्तों उसके लिए 6 फरवरी 2019 तक इसके लिए आवेदन किए थे और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 7 फरवरी 2019। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं दोस्तों वो है 352 पोस्ट, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 183 पोस्ट हैं और SC ST ऑफ हरियाणा के लिए 60 पोस्ट हैं। इसके बाद जो BC कैटेगरी के हैं हरियाणा के, जो BCA के लिए 40 और BCB के लिए 29 पोस्ट हैं और PHC ऑफ हरियाणा के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1 है और SC ST BCA PCB के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी, SC ST के लिए 4 वैकेंसीज हैं और BCA के लिए 9 वैकेंसीज और BCB के लिए 4 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 42 और SC ST के लिए 18 से 47 और BC कैटेगरी के लिए है 18 से 47 और जो एज रिलेक्सेशन है दोस्तों वो दी जाएगी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो भी मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रहेगा, जो जनरल नॉलेज के हैं वो 50 क्वेश्चन आएंगे, जो जो इंग्लिश के हैं वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों 33% इन ईच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन LSEC ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बोथ सब्जेक्ट। दोस्तों आपको कम से कम इसके अंदर जो है 40% मार्क्स लेने जरूरी है और 1/4 जो है मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों इसके अंदर 1/4 की। और इसके लिए दोस्तों जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, एडमिट जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो जैसे ही इसकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अनाउंस जारी कर दिए जाएंगे तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।